ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 30 अप्रैल 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:19 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी है और आज वीकली और इसके साथ मंथली एक्सपायरी का भी दिन है। काफी वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है एक्सपायरी के कारण, तो काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 29 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9405। तो कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि ब्रेकआउट लेवल के जस्ट वो इसके आसपास ये निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ, और जैसे ही ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 9436 और सेकेंड टारगेट 9459 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। और काफी देर ये एक स्लगिश पैटर्न में अपसाइड मूव ये दिखा रहा था, लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रहा था। और जैसे ही लास्ट कुछ आवर्स बचे थे इसने काफी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया और निफ्टी इंडेक्स और भी जबरदस्त तेजी से ऊपर आगे की तरफ बढ़ा। कल एक पॉजिटिव न्यूज था, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये इंडिया की एक सीरम इंस्टीट्यूट है उनका कोलैब है, तो एक दवाई इन्होंने बनाई है, वैक्सीन बनाई है, इसका प्रोडक्शन ये स्टार्ट कर सकते हैं मई के एंडिंग से। यानी इसका रिजल्ट आने वाला है सितंबर में, इसका ह्यूमन ट्रायल्स का रिजल्ट आएगा सितंबर में। लेकिन ये जो कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है, ये मई के एंडिंग से ही प्रोडक्शन शुरू करके रेडी रहने वाली है कि इसका रिजल्ट जब सितंबर में आएगा तो हम इसे डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है इस समय वो कंपनी। तो एक कल ये पॉजिटिव न्यूज था, और कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 27 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20,215 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देते हैं। कल यूएस मार्केट भी देखे तो नासडैक में करीब 300 पॉइंट के बढ़त के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। यूएस में भी जो एक कंपनी है फार्मा कंपनी है, उसने भी कल एक पॉजिटिव न्यूज दिया, जो वो भी वैक्सीन बना रही है कोरोना के खिलाफ। तो वहां पर भी एक जबरदस्त तेजी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, इनके कोलैब से जो ये वैक्सीन बन रहा है उसमें काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं ये इंडियन कंपनीज। मई के एंडिंग से प्रोडक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर ये फेल होता है तो काफी ये अगर मार्केट में ये जबरदस्ती लॉन्च करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले मई के एंडिंग से, और जो प्रोडक्शन से रेडी होगा और इसको अगर लॉन्च करते हैं मार्केट में तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो खबर है इसके कारण मार्केट में भी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स के हालात, आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 197 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है इंडियन मार्केट्स भी जबरदस्त गैप अप ओपन यहाँ पर हमें दिखाए। निक्केई भी देखिए 500 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और चाइना मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखिए तो 47 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यह निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, वीकली चार्ट है यह। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो अभी ये लास्ट दिन है इस वीक का, अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है, तो इसने ये 38.2% का लेवल जो है 9390 इसको ब्रेक कर दिया। क्या ये सस्टेन होगा इसके ऊपर? अगर ये सस्टेन होता है तो हमें ये यहाँ से 9970 यानी ऑलमोस्ट 10,000 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये वीकली चार्ट है, लेकिन वीकली चार्ट से पहले डेली चार्ट में देखना होगा। अगर ये 9970 अचीव करना है तो इसके पहले कोई रेजिस्टेंस, कोई हर्डल तो नहीं आ रहा है।
तो निफ्टी के डेली चार्ट में अगर देखें तो ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का ये लाइन है, तो ये अराउंड 9,740 के पास आ रहा है। तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के पास एक हर्डल फेस करे, एक रेजिस्टेंस फेस करे अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट्स के हम हालात देख रहे हैं काफी पॉजिटिव है, तो हो सकता है एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। और इसे अगर ये पार कर लेता है 9,740 को, यानी 50 EMA के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें फिर 10,000 की तरफ फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ ये जो पिंक लाइन है यानी 20 EMA, ये 9,170 के आसपास है, तो 9,100 का सपोर्ट होगा और ऊपर 9,740 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद 9,970 का नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट हो सकता है, जो कि 50% का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है इस फॉल का। ये जो यहाँ से फॉल हुआ है इसको टॉप और बॉटम पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर कल ब्रेकआउट भी मिला। ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक कंसोलिडेशन फेज है, ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग था, इसका ब्रेकआउट मिल गया है यहाँ पर, तो जबरदस्त तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो लेवल्स है हर्डल्स है इसको कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा तो ही। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न बना हुआ है आर्ली चार्ट में। अभी तक डेली और वीकली चार्ट में बुलिश पैटर्न नहीं बना हुआ है। ये जो 20, 50, 100, ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, ये अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा है। तो ये जो लास्ट स्विंग हाई लो बना है यहाँ पर, उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है, तो इसके लेवल्स काफी यहाँ पर ये देखिए ये काफी एक्यूरेट साबित हो रहा है। ये 50% के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर 61.8% के पास जब भी पहुंचा था तो यहाँ से एक फॉल आया था, फिर से रिकवरी इसने दिखाई, और अभी कल 100% का ये जो लेवल है इसी के पास इसने कल रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है आज अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ऊपर ये जो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 123.6 का 9,673 के पास आ रही, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप। लेकिन SGX निफ्टी अभी ये 200 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो ये कह नहीं सकते कि मार्केट कहाँ एग्जैक्ट ओपन होगा। ये हो सकता है 138 पॉइंट का ये जो यहाँ पर 9,736 का लेवल है, यही लेवल डेली चार्ट में ये जो 50 EMA का लेवल है 9,740, ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो हो सकता है इस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स एक रेजिस्टेंस फेस करे। तो आज काफी मुश्किल हो सकता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल को आइडेंटिफाई करना। तो अगर ये निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के ऊपर यानी 9,736 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,797, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 161.8% का लेवल है यानी 9,839, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स निफ्टी फिर से अगर साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो एक इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ है लास्ट जो आर बचा था यहाँ पर, तो इसका ये जो लो है यानी 9,521 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट काफी बुलिश है आज, शॉर्ट पोजीशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है, तो ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक 9,486 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9,455, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।